वल टू वन इज इक्वल टू वन ठीक है ये हरीजोंटल के केस में है और अगर वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा तो उस केस में जस्ट वेरी स्मॉल डिफरेंस विद अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है x माइनस एच होल स्क् प्लस वाई माइनस के होल आवर स्क्वल टू वन ठीक है आवर ए स्क्र आवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन दिस इज इक्वेशन फॉर वर्टिकल ठीक है दिस इज फॉर हरीजोंटल ठीक है हॉरिजॉन्टल एलिप्स जिसके अंदर आपका मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा दिस इज वर्टिकल जिसमें आपका मेजर एक्सिस अग एक्सिस होगा अब ये दो तरह के एलिप्स हम हमारे पास पाए जाते हैं अब ये मैंने क्यों लिखा हमें इससे ये पता चला जी इक्वेशन बनाने के लिए एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो डेफिनेटली हमें सेंटर चाहिए एच के इज अ सेंटर एच के इज सेंटर ए एच इज एफ सी सेंट के इज ऑर्डिनेट ठीक है अब सेंटर तो हमें गिवन है सेंटर हमें क्या गिवन है सेंटर में गिवन है जीरो जीरो के ऊपर इसका मतलब है कि एक्स माइनस जीरो होल स्क् प्लस जीरो टू वन ठीक है सो फॉर so हमारे पास इक्वेन आ गया बिकॉज हमारे पास ए और बी की लेंथ नहीं A axis, -major axis, major axis, है बिकॉज ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस ठीक है एंड बी इज द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस अब ये हमारे पास लेंथ तो है नहीं इसलिए मैंने सो फार ये इक्वेशन लिखती है अब हमें कुछ पता नहीं उसने सिर्फ ये बताया कि स्मेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू यानी एक एलिप्स है जिसका सेंटर जीरो जीरो पे है वो स्मेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ दसिंग थ्रू द्वार्स टू थ्री एंड सिक्स वन कोई, कोई दो उसने एलिप्स के ऊपर बता दिए जिनसे वो पर, जो इस उस एलिप्स के ऊपर लाइक करते हैं इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अब हमें ये भी नहीं पता है so, uh, so far, अब यानी अब फिलहाल तक हम ये बात कर सकते हैं कि इक्वेशन ये होगी या इक्वेशन एक्स माइनस जीरो होल स्क्वेयर यानी वर्टिकल के केस में अगर वो वर्टिकल हुआ अब बी स्क्र प्लस वाई माइनस के अब होल स्क् और ए स्क्र इज इक्वल टू वन होगी ठीक है अब इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन हो सकती है अब हम अगले स्टेप में मूव करते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सी कौन सी जो है वो ऑप्शन uh, पिक कर सकते हैं यहाँ पे मैं एक ग्राफ को पेस्ट कर देता हूँ ठीक है बिकॉज आई नीड दैट मुझे इसकी इसकी जरूरत है ठीक है वो क्यों जरूरत है अभी हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर देखें हमने बात की जी के दो पॉइंट्स हैं मतलब सबसे पहली बात है कि एक सेंटर है ग्राफिकल ग्राफ की हमें जरूरत है सच नहीं है लेकिन जस्ट टू गेट गेट अ अटर आइडिया अबाउट तो गे, गे, गे है, about, uh, हम इसको यूज कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए सेंटर जो है उसने बताया सेंटर जो है ग्राफ का जीरो जीरो के ऊपर है ठीक है सो दिस इज फॉर श्योर सेंटर जीरो जीरो पे फिर एक पॉइंट उसने बताया जी टू थ्री देखिए जो पॉइंट्स उसने बताया वो है टू थ्री ठीक है ये एक पॉइंट है लेट सपोज दिस पॉइंट इज पी वन एंड पी टू एक और पॉइंट है जो है 6, 1, ये दोनों दिस इज नेगेटिव एक्सक्स दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस ठीक है अब यहाँ पे सेंटर तो जीरो जीरो टू थ्री तो यहाँ पे लाई कर रहा है ठीक है और पी टू अगर आप देखे तो सिक्स वन पे और रहा है। अब अगर मैं देखूं, तो मुझे ओरिजिन अगर ओरिजिन से मैं ये ले लूं अगर मैं ओरिजिन से ये डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस स्मॉलर है जबकि ये डिस्टेंस लूं तो ये है। इसका मतलब है ये स्कैटर्ड टुवर्ड्स ये स्कैटर्ड है ज्यादा इसका फैलाव जो है वो एक्सिस की तरफ है दैट मेक्स अ वेरी गुड सेंस कि ये जो है एक अ uh, एलिप्स होगा एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा अगर मैं इसको रफली ड्रा कर दूं जस्ट टू गेट एन आइडिया, तो ये मेरे हाथ से कुछ uh, कुछ इस तरह की इसकी शेप जो है वो मुझे बनती हुई दिखाई देती है ठीक है बहुत मैं एक बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो इसके अंदर वो चीज वो uh, जो है वो क्लैरिटी नहीं वो नीटनेस नहीं होगी जो कि बेसिकली एक्चुअली

आई कैन सिंपली से के चले दो पॉइंट चूंकि सर्कल के एलिप्स के ऊपर लाई करते हैं ठीक है इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ एलिप्स को जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सैटिस्फाई कर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ बिकॉज स्टैंडर्ड हम इसलिए कह रहे हैं कि अब इसका सेंटर जीरो जीरो पे है तो हम बात करते हैं चलें जी कि अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लिप्स को जो है वो जो है सेटिस्फाई करते हैं तो दो इक्वेजन हमारे पास बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो क्या है देखिए एक्स स्क् ए स्क्वेयर

lies on अकॉर्डिंगली on, on, on ellipse, on ellipse, तो मतलब फिर ये बन जाएगा दिस इज माय एक्स दिस इज माय वाई ठीक है इसका मतलब बन जाएगा टू स्क्र अवर ए स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्र अवर बी स्क्र थ्री स्क्र अवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू वन एक चीज और दूसरी अगर यहां पे देखें तो सेकेंड ये हो सकती है कि अब तक तो बात क्लियर होगी. इसका मतलब अगर हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं सिंप्लीफाई करता हूं तो ए स्क्र बी स्क्वेयर इसका एल्सियम आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र इसका एल्सियम आ जाएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वेयर टाइम्स हो जाएगा ये a, आई मीन ए स्क्र बी स्क्वेयर टाइम्स हो जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा टू का स्क्र फोर फोर बी स्क्र फोर बी स्क्र और ये ए स्क्र टाइम हो जाएगा तो ये आ जाएगा नाइन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वन दैट मेक्स ए गुड सेंस के ये फोर बी स्क्र प्लस नाइन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर

ये बन जाएगा थर्टी सिक्स बी स्क्र प्लस ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्र विच इज इक्वेचन नंबर फोर आप इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं जी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं